हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की बात करते हैं, एलएनटी की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस 2372 में है। चौथी तिमाही के नंबर्स आने थे, Q4 FY23 के नतीजे आने वाले थे, जो अपडेट आ गया है। तो नंबर्स को चेक करते हैं, रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, मुनाफा क्या रहा है चौथी तिमाही में Q4 FY23 में, और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, ऑर्डर बुक क्या है, और कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है। तो जिनके पास एलएनटी का स्टॉक है उनको आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। तो एलएनटी के Q4 FY23 के नतीजों को देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, और इसी के अनुसार फिर एनालिसिस भी करेंगे। शेयर प्राइस में तो तेजी है दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, और एलएनटी एक बड़ी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, और 2372 में स्टॉक प्राइस है। तो सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए एलएनटी की बात कर रहे हैं, लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहे हैं। दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स को चेक कर लेते हैं, और देखिए ये अपडेट आया है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो 58,335 करोड़ का रेवेन्यू है 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में, Q4 FY23 के क्वार्टर में, और दिसंबर के क्वार्टर में, देखिए दिसंबर थर्ड क्वार्टर में 31 दिसंबर 2022 में 46,389 करोड़ का था। इससे पहले क्वार्टर में 46,389 करोड़ का था, 31 मार्च 2022 में 52,850 करोड़ का था। तो 52,850 करोड़ का एक साल पहले था, अब ये बढ़कर 58,335 करोड़ हो गया है, और इससे पहले क्वार्टर में तो कम था ये 46,389 करोड़ का। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, देखिए जो अदर इनकम है 740 और 59,076 करोड़ का टोटल इनकम आया है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। ये टोटल इनकम बड़ा है सालाना, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी। अब बात करते हैं, देखिए एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो जो कंपनी का एक्सपेंसेस है सारा कुछ ही दे रखा है इन्होंने। टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं सीधे से, 53,168 करोड़ का है, तो 59,076 करोड़ का टोटल इनकम है, कंपनी को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, तो देखिए 5,907 करोड़ का है, 5,907 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसकी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मुनाफा आया है लार्सन एंड टूब्रो का 4,446.74 करोड़ का है, 4,446.74 करोड़ का है, और 3,066 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था, एक साल पहले 4,006 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी बढ़कर आया है चौथी तिमाही में, तो रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है लार्सन एंड टूब्रो का। और देखिए जो अर्निंग पर शेयर है लार्सन एंड टूब्रो का 28.37 का है, 18.17 इससे पहले क्वार्टर में था, और 25.77 का एक साल पहले का। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़कर आया है, तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने। और चौथी तिमाही का जो रेवेन्यू है 59,000 करोड़ का हो गया है, और प्रॉफिट जो आया है कंपनी का, जो प्रॉफिट का अपडेट आया है 4,446 करोड़ का प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं। अब डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड का जो अपडेट आया है एलएनटी का, 24 रुपीज का अपडेट आया है। देखिए एलएनटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया है डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है ये, और ये डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है 24 रुपीज का किया है दोस्तों। तो 24 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के अनुसार, और इसमें रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं दिया है, तो आगे इसका रिकॉर्ड डेट का अपडेट करेंगे। देखिए इसमें कहीं रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं दिया है, और 24 रुपीज़ फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और आगे जो है एजीएम होगा, अप्रूवल होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसी के अनुसार फिर डिविडेंड मिलेगा। फिलहाल इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो डिविडेंड मिलेगा उनको, और 24 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और की हाइलाइट्स में देखते हैं, तो ऑर्डर इनफ्लो है 2,00,000 करोड़ FY23 में, 19% सालाना बढ़ा है, और प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 करोड़ रहा है FY23, 21% सालाना बढ़ा है,
और बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 24 रुपीज़। लार्सन एंड टूब्रो का जो ऑर्डर बुक है 3,99,526 करोड़ का 31 मार्च 2023 तक दोस्तों। और देखिए इंटरनेशनल ऑर्डर हैविंग ए शेयर ऑफ 28% ऑर्डर बुक 3,99,526 करोड़ और ग्रोथ है 12% की। तो पिछली बार था 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में 3,57,595 करोड़ का, तो अब की बार है 3,99,526 करोड़ का, लगभग 4 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है एलएनटी का दोस्तों। तो एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में और एलएनटी का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है फंडामेंटली बात करते हैं तो देखिए इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और शेयर होल्डर्स को 24 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3,32,319 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 691 का और डिविडेंड यील्ड है 0.93 का। जैसे कि अभी डिविडेंड दिया है कंपनी के द्वारा, डिविडेंड भी दिया जाता है। अर्निंग पर शेयर है 71 का और पी है 32 का। तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 691 का है, तो मान के चले कि ये 3 गुना ही ऊपर की तरफ अभी कारोबार कर रहा है एलएनटी का शेयर, 691 का बुक वैल्यू है। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है एलएनटी में, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है। इससे पहले ये एक रेंज में ही था, बट ये कि अब 2023 में एक तेज़ी देखने को मिल रही है एलएनटी में दोस्तों। तो ये नतीजे मार्केट कैप। अब प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए एलएनटी का शेयर पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से बढ़ तेज़ी हो रहा है। 3 साल का रिटर्न है 189% का, 189% का 3 साल का रिटर्न है, 1 साल का रिटर्न 47% का है। तो एक तरह से देखिए धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही रहा है जिनके पास है ये, इसलिए 3 महीने का रिटर्न है 9.27% का। तो फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों। अभी पोटेंशियल है एलएनटी में, बट ये कि स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। तो एक शेयर प्राइस के अनुसार ट्रेंड देख लेते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ग्राफ के अनुसार प्राइस के अनुसार बात करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो का ये चार्ट है, ग्राफ है, 1 साल का ग्राफ है दोस्तों। और 2372 में स्टॉक प्राइस है, 51% का रिटर्न दिया है 10 मई 2023 तक निवेशकों को। और इसका 52 वीक हाई है 2416 का है और 52 वीक लो है 1456 का। और अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है। अभी देखिए नीचे की तरफ था हाल फिलहाल में 2100 के आसपास, उसके बाद एक तेज़ी आई, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर की तरफ है। तो कहने का मीन्स है देखिए पिछले 1 साल में एलएनटी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं। तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए और डिविडेंड लेना चाहिए, और जब इसमें करेक्शन हो, जैसे कि मार्केट में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता है तो एलएनटी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। देखिए टेक्निकली बात करें तो अप ट्रेंड में है दोस्तों, बुलिश मोड में है और ये आने वाले दिनों में जैसे कि अपने बुक वैल्यू से मान के चले कि 3-3.5 गुना ऊपर की तरफ है, तो 4 गुना हो सकता है, तो 2500 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से तेज़ी भी है, तो एलएनटी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और जिनके पास है, जिनके पोर्टफोलियो में है, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। नतीजे अच्छे आ रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने देखे भी और डिविडेंड भी दिया है, तो तमाम पॉइंट्स हैं एलएनटी को अभी होल्ड करने का दोस्तों। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है, जिनका टारगेट हिट होता है वो प्रॉफिट भी बुक करते हैं। एक पॉइंट ये भी है, जब आपने लोअर लेवल पे ख़रीदा होगा तो एक टारगेट रखा होगा कि 2000 पे 2200 2500 या फिर सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, तो प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। अब आप अपना फैसला भी करें कि हमको करना क्या है। फिलहाल चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं अच्छे हैं और मार्केट अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो एलएनटी में तेज़ी देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जब आए तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो ये एलएनटी का लेटेस्ट अपडेट है, चौथी तिमाही के नंबर्स थे, साथ में डिविडेंड दिया गया है निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को। और फंडामेंटली बात करते हैं तो 3-3.5 गुना ही ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है बुक वैल्यू के अनुसार। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।